अयोध्या रेप कांड को लेकर बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडली ने पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने पूरी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पीड़िता के इलाज की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की बात कही गई है। इस बाबत डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक से बात हो चुकी है। इस बीच रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए अयोध्या के लखनऊ के KGMU शिफ्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि रेप कांड का मुख्य अभियुक्त मोहित खान है और भी बच्चियों के साथ ऐसी हरकत में संलिप्त है, क्योंकि इलाके में उसका खौफ है और उसके दवा में कोई मुंह नहीं खोलता, लेकिन इस मामले के बाद और पीड़िता सामने आ सकते हैं। रिमांड पर लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की आवश्यकता है। वहीं प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि गांव में अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी ज्यादा है, दलितों पर दबाव बनाकर रखा जाता है, इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। फिलहाल तमाम बिंदुओं को एड्रेस करते हुए बीजेपी आलाकमान को अयोध्या कांड की रिपोर्ट भेज दी गई है। हो सकता है कि ये मुद्दा संसद में उठाया जाए। वहीं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर बयान दिया है, आरोपी के डीएनए टेस्ट की मांग की है, उससे पीड़ित पक्ष का मनोबल टूटा है। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित पक्ष के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। वहीं अयोध्या की इस घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है और उनका लक्ष्य पहले दिन से ही रहा है कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, खासकर मुसलमान को लेकर। उनकी सोच गैर संवैधानिक है। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराव निषाद ने कहा कि हमने पीड़िता की माँ से बात की है और हम पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों को बख्शने वाली नहीं। बाबूराव निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव डीएनए परीक्षण की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इस बेटी का दर्द उन्हें दिखाई और सुनाई नहीं देता। सरकार आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगी कि कई पीढ़ियां याद रखेंगी। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता हूं कि आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक की जाए। खबरी चौखट की रिपोर्ट। We'll be right back.